तिनियर आ गए तो क्या होगा, तिनियर आ गए तो क्या हो जाएगा, मिस्टर काउंसिल पास ओवर किसी से प्लीज टू यस परमिशन टू मेंशन क्या आइटम नंबर 14 लॉटरी नो तो तिनियर आ गए तो क्या होगा, तिनियर आ गए तो क्या हो जाएगा, मिस्टर काउंसिल Yes, earlier you have sanctioned it, then register, then treasurer has to raise objection, then you withdraw the order. ये C4 राशि? Yes, C4. जी जी. राशि हमने इसको reject कर दिया है. No, और? Earlier you have sanctioned the amount. हाँ. फिर withdraw क्यों हुआ order? नहीं नहीं वो उसके लिए हुआ कि ये गलत तरीके से इन्होंने दे दिया था. Actual में वो 98 से लागू होना था. ये इस पर जरूर मैंने फिर वो इस पर द ऑर्डर फिर मैंने वो लगा दिया सर्कुलर जो आज आपने जो डायरेक्शन दिया था उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है वो बोल रहा है कि आपको दो साल पहले मिलना चाहिए था बेनिफिट मिल रहा है उनको बेनिफिट मिल रहा है और वो बोल रहा है कि दो साल ये जो रीजन है कब से दे रहे हैं वो इसमें डॉक्यूमेंट आया कि नहीं हमारे पास कहा उनके काउंसिल को बुलाइए तो पेशेवर तुमको मिल रहा है दो साल बाद से मिल रहा है और दो साल पहले मांग रहे हैं उसका रीजन है राशि 2 जुलाई 98 का वो आज तक यही हो नहीं आया आपके पास हाँ हाँ ये बात हाँ वही 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 टाइप कर दिया बुला तो उस नाम से ये क्या है ये टाइप कर दिया राशि वो दो साल बाद क्यों ये उसका ये कारण है कब से इनको दिए हैं जुलाई 2 जुलाई 98 से क्योंकि इसमें लिखा है ये कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक का वेतनमान 750 1523 के स्थान पर नियमित वेतनमान 1150 1800 का पुनरुचित वेतनमान अब रुपये 3500 से 5200 है इस स्वीकृति प्रतिष्ठान की होने की दिनांक से स्वीकृत करता है और ये क्या C4 क्या है इसमें बताइए ये वो रिजेक्ट कर दिए थे मतलब वो उनको दिया है और पिछले दिनांक से देने के कारण आपको संदेश दिया जा रहा है सर क्या नो C3 जी जी C3 क्या है C3 India Rejoiner. You see, three. So, copy petition, copy this one. Half petition, I'm going to. Let's see, for ye. Three, four, five. Yes. Right. Ye table, ye hai, calculation kaisa hua inka? No, wo hai. No, that has been withdrawn subsequently. हाँ वो इसीलिए कि वो नहीं क्यों हुए वही तो आपका क्या वो मेरी वेरी थी एक्सप्लेनेशन वेदर नो मिस्टर काउंसिल प्लीज टेल अस पेज 5 देख दिया मिस्टर काउंसिल वेदर एनी एक्सप्लेनेशन इज गिवन व्हाई यू हैव विथड्रॉन दिस हाँ ये लिखा है राजी नो मिस्टर काउंसिल ये क्या लिखा है ये पैराग्राफ 4 प्लीज सी दिस C4 यस जी 22/9/2023 ये क्या है 22/9/23 का है परिपालन में तथा कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर कार्यालय शिक्षा लोक स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर बिलासपुर मिले के देश परिपालन में राम कुमार परेड का दिनांक 1/1/96 से नियमानुसार वेतन संशोधित कर वेतन निर्धारित किया जाता है अब इसमें पेज 5 देखेंगे लड़की पैरा 4 संयुक्त संचालक कोष लिखा है पेंशन बिलासपुर की ओर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण द्वारा याचिका WPS नंबर
489923 श्री राम कुमार बरेड विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं दो अन्य एवं दो से छह अन्य के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 21/7/23 के संदर्भ में श्री राम कुमार बरेड का उपरोक्त से वेतन निर्धारित कर आपकी और जांच हेतु प्रस्तुत है। कृपया वेतन निर्धारण की जांच करने का कष्ट करें ताकि आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश अनुसार अंतर की राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय PS 489923 के पारित आदेश है प्रति 16 संदर्भ हेतु प्रेषित है वो करके हमने ये भेज दिया। ये बताओ फिर ये ऑर्डर क्या फिर उसके रजिस्ट्री इंतजार की क्या क्या आपत्ति आई है? वो भेज दिया और उसके बाद ये जो हमने अभी जो पेश किया लड़की योर एफिडेविट इज साइलेंट ऑन दिस इशू। ये एफिडेविट है तो देने कारण ये है लड़की। नो मिस्टर कॉले पैराफोर देखिए मिस्टर कॉले आपका ये जो ऑर्डर है उसको विथड्रॉ करने का रीजन आपके एफिडेविट में नहीं लिखा है। उसमें लड़की पे लिखा है कि राज्य शासन नेतृत्व द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारी हैंडपंप मैकेनिक का वेतनमान 750-1530 के स्थान पर नियमित वेतनमान ₹1150-1800 जिसका पुरुषित वेतनमान अब ₹2500-5200 है की स्वीकृति पृष्ठांकन दिनांक से होने दिनांक से स्वीकृत करता है। जो ये इंडोर्स किया है उस दिनांक से इनको मिलेगा और इसीलिए उनको उस दिनांक से देना चालू करो। नो नो एक 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 96 से 5 वेतन आयोग आपने ये बताइए मिस्टर काले कि वेतन जो वेतन रिवीजन जो लागू हुआ है वो 1/96 से लागू हुआ है तो 1/96 में जो पे स्केल था वो क्या होता है ये इशू है इसका है 3552 नहीं 3552 ये 98 से नहीं होगा रिवीजन। नो 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 भाई आपने पे रिविजन सब में लागू किया पूरे पूरे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में एक साथ लागू किया तो 5वां वेतनमान 1/96 से लागू किया। अब हमको ये बताइए कि जो वर्क चार्ज एंड पे स्केल अलग चीज है और जो जो आप उसका क्लेरिफिकेशन कहा है आपके एफिडेविट में? ये पे स्केल को 7/7/98 से क्यों दे रहे हैं वो रीजन नहीं हम उस रीजन में भी आप हमको ये बताइए 1/96 में जब रिवीजन ऑफ पे रूल लागू कर दिया गया तो उस दिन इस पे स्केल के वर्क चार्ज एम्प्लॉय की क्या तनख्वाह थी हमको ये प्रश्न का जवाब दीजिए तब आपको 3500 वाली बात जो आएगी। देखो आप 1/96 में अगर मान लीजिए उसकी पे स्केल डिफरेंट आ गई थी उसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? व्हाट वाज द इशू क्या था ऑर्डर क्या था कोर्ट का? एक कोर्ट तो मेरिट पे स्केल उन्होंने बोला कि मेरे को वो पे स्केल 1/96 मिलना चाहिए। पे स्केल अंडर द रिवाइज पे स्केल पहले होगा पहले रिवाइज पे स्केल होगा वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/96 तो 1/1/96 से आपको क्या था उसको बताइए और 96 के बाद 98 में उसका एक्सप्लेन इसका स्क्वेलेंट 3500 नहीं होगा उसका स्क्वेलेंट ज्यादा होगा बढ़ जाएगा ये बढ़ जाएगी ये गड़बड़ है से बढ़ जाएगा। यस ये इशू है मैं 2 हफ्ते का समय दे दिया। नहीं 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 अब आपको 2 हफ्ते का नहीं आता बारह निकाल दिया हमको एक्सप्लेन नहीं चाहिए हमको कम्प्लाइंट चाहिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ हो जाएगा अभी 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 4:45 बजे पाली जी भी आने।